सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझसे सवाल पूछते हैं तो मुझे वीडियो बनाने के लिए एक टॉपिक मिल जाता है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में एक मैम है जिनका सवाल आ रहा है बार बार, ये पर्पल हर्ट और वंडरिंग ज्यू और टर्टल वाइन उनकी ख़राब हो रही है। सर्दियों में देखिए इसमें एक प्रॉब्लम आता है, एक्चुअली सर्दियों में नहीं कहूँगी मैं, नॉर्मली भी आता है कि जब ये हमारी बेल, ये आप देख पा रहे होंगे जैसे वंडरिंग ज्यू, कि जब बेल लंबी होती जाती है, लटकती हुई जाती है, तो जो बैक साइड के स्टेम होते हैं वहाँ पर लीव्स जो हैं ड्राई होती जाती हैं। अभी देखिए है नहीं इतनी अच्छे से, देखिए जैसे ये येलो हो रही है, तो ये नेचुरल है, ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी। तो हमें क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक होता है, या तो हमें ये सारी ड्राई लीव्स हटा देनी होती हैं, जिससे कि यहाँ से नए नए शूट्स निकलते रहें, नए नए ब्रांचेस निकलते रहें और पौधा जो है वुशी होता रहे। जब बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ये बेल, तो इसको क्या करना होता है, देखिए अभी ये पूरा आप कंटेनर देख रहे होंगे, ये मैंने कटिंग से प्रोपेगेट किया है और अभी कुछ दिनों पहले इसकी छोटी छोटी सी कटिंग एक मैंने 5 इंच के पॉट में लगाई थी और अब ये बहुत अच्छे से ग्रो कर गया है और देख भी पा रहे होंगे आप एकदम अच्छे से वुशी हो गया है। तो आपने क्या करना है, जो भी आपके पुराने कंटेनर्स हैं उनमें से आपने छोटी छोटी सी कटिंग्स काटनी है। जैसे देखिए ये इसी कंटेनर में से मैंने लगाई थी वो सारी कटिंग, क्योंकि ये मेरा एक रिवर सेंड का एक छोटा सा बैग था, जिसके जूते का डब्बा कह सकते हैं इसको, इसके अंदर मेरे पर्पल हर्ट और ये वंडरिंग ज्यू लगा हुआ था और बहुत अच्छे से ग्रो किया है, पूरा 1.5 साल से, 1.5 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट के वजह से मैंने आपको बताया है कि इस तरीके के पौधे रिवर सेंड में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो सकते हैं, टोटली रिवर सेंड है इसके अंदर, और मैंने इस तरीके की छोटी छोटी सी कटिंग्स काट के आप नए कंटेनर्स में लगा लेंगे। जैसे देखिए ये मैंने अभी थोड़े दिनों पहले ही लगाया है, ये देखिए कितना छोटा सा पॉट है और इसके अंदर कितने अच्छे से ये चल गई हैं। छोटी छोटी सी कटिंग लगाई थी जो कि रूट्स इनके अंदर हफ्ते भर के अंदर डेवलप हो जाती हैं और पूरा प्लांट बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो इनको बचाने का यही तरीका होता है कि आप इनकी कटिंग्स नए नए पॉट में लगाते रहिए। सेम ट्रिक आपने पर्पल हर्ट के साथ अपनानी है। पर्पल हर्ट में आप देखेंगे इस तरीके से लंबी लंबी स्टेम्स लटकती होंगी और अभी उन पर फूल आ रहे होंगे। अगर फूल आने बंद हो गए हैं तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने इस स्टेम को यहाँ से कट कर देना है, हटा देना है, तो आप देखेंगे इसके नीचे से नए नए शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और वहीं आपका पौधा जो है एकदम से वुशी और घना हो जाएगा। नहीं तो इसकी भी आप छोटी छोटी सी कटिंग जो है दूसरे प्लांटर में लगा सकते हैं, तो ये भी एक बहुत आसान ट्रिक है। और अब देखिए इसको आप अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, इसको वॉलिवेन ज्यू, कोई पर्पल लेडी, कोई पिंक लेडी, क्योंकि इनकी अलग अलग वेरीगेटेड वैरायटी आती हैं। टर्टल वाइन की ही वैरायटी है ये। ये मेरी एक टूटी हुई चेयर पर लगा हुआ था और आपने देखा होगा जो मेरा पैच बना हुआ था इसमें छत के ऊपर, वहाँ लगा हुआ था, तो इसका आप देख पा रहे होंगे पास से ये पूरी की पूरी ख़राब होना शुरू हो गई है। लास्ट ईयर मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, तो कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे कि डोरमेंसी में जाती है, इसको छोड़ दीजिए एज इट इज़, ये नेक्स्ट ईयर आएगा अपने आप ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मेरे पास ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में थी। इस बार जब सारे कंटेनर इस तरीके से ख़राब होने लगे तो मैंने क्या किया कि कुछ टिप अपनाई और अभी दिखाती हूँ उन कंटेनर्स का हाल मैं आपको। ये देखिए वही बास्केट और ये टूटे फूटे मेरे जो पॉट्स हैं जिनमें बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, जैसे भी मैंने दिखाई है उसी तरीके से बिल्कुल ख़राब हो गई थी। मैंने क्या किया, सारा का सारा उसको निकाला जो इसमें लगा हुआ था और उसके बाद जो टिप हैं उनकी छोटी 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 सी मैंने टिप काट काट के इसके अंदर लगा दी और अब आप देख पा रहे होंगे फिर से वापस से बहुत हेल्दी हैं प्लांट्स और इसी तरीके से मैंने वो सारे के सारे कंटेनर्स लगा लिए हैं। देखिए मैं बार बार आपसे एक चीज़ कहती हूँ कि आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए, चाहे वो मेरे देख लीजिए या किसी और के देख लीजिए, जब तक आप खुद एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ नहीं समझ में आएगी, क्योंकि हर एक एरिया का जो वेदर कंडीशन होती है, मिट्टी की कंडीशन होती है, सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, कहाँ पर किस तरीके से कौन सी चीज़ वर्क कर रही है वो आपको नहीं पता है। लास्ट ईयर मैंने इस बेल को पूरा का पूरा मार दिया था अपने गार्डन में, मतलब जैसे ख़त्म हो जाती है ना वैसे हो गई थी, बस जो मिट्टी के अंदर रूट्स रह गई थी वो बची थी। और अभी देखिए मैंने इसको वापस से इसके ऊपर के टिप को काट काट के लगा लिया है, तो देखिए ये एकदम से ग्रीन और हेल्दी है।
और ये पता कैसे लगा वो मैं बताती हूँ आपको, कि मैंने कुछ टर्टल वाइन की मैं बहुत एक्सेस में है, तो जब वो मैंने पैच निकाला पूरा का पूरा, तो मैंने जो उसकी वेस्ट था, जो जड़ें थी, वो सब मैंने कंटेनरों में डालना शुरू कर दी। तो इस कंटेनर में मैंने उसके कुछ छोटे छोटे पीसेस डाले और मैंने देखा, देखिए कितने अच्छे से ये सारी की सारी ग्रो कर गई हैं। तो मुझे लगा कि ये तो दोबारा से अच्छे से फ्रेश तरीके से ग्रो हो रही है, तो समझ आ गया। फिर बाकी के कंटेनर्स में सेम चीज़ ट्राई की और आप देखिए सारे प्लांट्स हेल्दी हैं। तो ये ट्रिक अपना लीजिएगा कि आप टिप को तोड़ना है और नए तरीके से उसकी कटिंग्स को लगा देना है, और सेम तरीका आप टर्टल वाइन की ये जो दूसरी वैरायटी है पैरेट ग्रीन वाली, इसमें अपनाएंगे। ऊपर से सारी जितनी भी ये डेड जो लीव्स हैं, डेड ब्रांचेज हैं, इनको आप हटा देंगे कट करके, और नीचे से जो ये नई लीव्स और नई ब्रांचेज निकलेंगी वो अच्छे से ग्रो करेंगी। अच्छा, टाइम वाकई में डोरमेंसी का ये है कि इसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, लेकिन आपका पौधा मरेगा नहीं। तो बस क्या करना है, आपकी जो पुरानी जो ख़राब होने वाली वो है, उसमें से इस तरीके से कटिंग्स तोड़नी है छोटी छोटी सी, और इनको मिट्टी के अंदर लगा देना है, आपके नए प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। ये देखिए मैं इस बास्केट में रख दे रही हूँ और यहीं पर ये प्लांट्स जो है अच्छे से सेट हो जाएगा। तो बस खुद एक्सपेरिमेंट करिए, खुद एक्सपीरियंस करिए, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे ना, वो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि आपके यहाँ का वेदर कंडीशन किस तरीके का है, किस तरीके के पौधों में आपने खाद डालना है, किस तरीके से पानी डालना है। सारा कुछ वीडियोस में देख के मत किया करिए, क्योंकि वो कई बार आपके पौधों के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो ये टिप जो मैंने चार प्लांट्स के लिए दी है, वंडरिंग जू, पर्पल हर्ट, वॉलीवियन जू और टर्टल वाइन, ये आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आपको ट्रीट करना है। डोरमेंसी का टाइम ये नहीं है कि ये मर जाएंगे, डोरमेंसी का टाइम ये है कि इनकी ग्रोथ हो सकता है थोड़ी रुक जाए। तो अभी देखिए नवंबर बिल्कुल मिड में आ गए हैं हम लोग, और अभी मैंने आपको इनकी ग्रोथ दिखा दी है जो नए पौधे मैंने लगाए हैं, आगे भी मैं दिखा दूंगी। बस थोड़ा सा इनका पानी का ध्यान रखना होता है, पानी बहुत सर्दियों में एक्सेस में नहीं देना होता है। बाकी एक सेपरेट वीडियो में अभी डोरमेंसी के प्लांटर्स को और प्लांट्स को कैसे ट्रीट करना है वो मैं बना दूंगी, और कुछ टिप्स उसमें खास दूंगी, जिससे कि वो डोरमेंसी में जाने वाले पॉट्स जो प्लांट्स जो हैं वो आपके गार्डन में लगे रहें, और उसके साथ हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे कि आपका गार्डन हमेशा की तरह और भी खूबसूरत बना रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आई होप मैम आपका रिप्लाई मिल गया होगा मेरे इस वीडियो से। तो वीडियो में कुछ भी अगर समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर करा करिए। आपके ये जो सपोर्ट है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पर बने रहिएगा। और ये देखिए प्याज का पानी डाला था, फूलों की क्वांटिटी देख लीजिए आप। तो गो ग्रीन, गो नेचुरल, सेव सॉइल, सेव अर्थ। थैंक यू।